ऑल सेट। वीडियो में फोन से शूट कर रहा हूँ तो ऑडियो क्वालिटी हो सकता है अच्छी ना हो या फिर मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई ना दे क्लियरली। और ये है ड्राइंग जो मैंने इस वाले बेंच बनाई है, और ये है ड्राइंग जो मैंने 2 रुपीज़ वाले पेन से बनाई है। तो जो वीडियो है वो इसी के बारे में है, दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन से पेन सबसे ज़्यादा बेटर था ड्रॉ करने से, कौन से पेन ज़्यादा अच्छे थे ड्रॉ करने के लिए, और मैंने बिग पेन्स को क्यों ख़रीदा है। तो आज की वीडियो में यही हुआ। सेटिंग के अंदर जब मैं बिगिनर था या फिर मैंने बिगिनिंग में जब स्केच बनाना शुरू किया था तो मैं सिर्फ डूडल्स वगैरह ही बनाता था और नॉर्मल स्केचेस करता था। बट यूट्यूब पे चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद मैं पोर्ट्रेट्स बनाने सीखा और पोर्ट्रेट्स में ही ज़्यादातर मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। तो तब तो मैं ग्रेफाइट्स का यूज़ करता था, पर बनाते बनाते फिर मैंने चारकोल सीखा, फिर चारकोल का यूज़ करने लग गया, चारकोल भी यूज़ करना आ गया। बट फिर थोड़े और मीडियम्स ट्राई करे तो पेंटिंग तो मुझसे हुई नहीं, फिर मैं कलर्स की तरफ गया तो कलर पेंसिल से मैंने पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया। तो एक्सीडेंटली एक पोर्ट्रेट अच्छे से बन गई थी, वो मैंने शुरू की थी वो नहीं बन रही थी, तो मैंने उसे अपेंड कर दी, फिर उसको मैंने वापस स्टार्ट किया, वापस कंप्लीट किया और वो अच्छी बन गई थी। बट उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब पेंसिल कलर, लेकिन नहीं वो भी मैंने छोड़ दिया, पेंसिल कलर से भी ड्रॉ करना मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने पेन से स्केचिंग करना स्टार्ट कर दिया ताकि अपनी थोड़ी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूं। पेन से ड्रॉ करने में एक डिसिप्लिन होता है, अगर कोई मिस्टेक करते हो तो फिर वो मिस्टेक आप बिगाड़ नहीं सकते, आप इरेज नहीं कर सकते, वो मिस्टेक वही रहेगी। तो जो स्ट्रोक से उसकी वैल्यू जो है ना वो पता करने के लिए पेन का यूज़ करना मुझे लगा कि ज़रूरी है, या फिर अपनी ड्राइंग्स को इम्प्रूव करने के लिए किसी ना किसी लेवल पर ले जाने के लिए मुझे पेन से ड्रॉ करना चाहिए। फिर एक पेन से ड्रॉ करने का मुझे पेन से ड्रॉ करना अच्छा लगने लगा, क्योंकि मेरे पास से पहले नॉर्मल पेन से, तो मैंने नॉर्मल पेन से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस ही करता था क्योंकि अगर थोड़ी सी भी इंक फ्लो हो जाती थी तो पूरी ड्राइंग ख़राब हो जाती थी, सत्यानाश। बट थोड़े टाइम बाद मुझे अपने ड्राइंग्स में पेन्स का यूज़ करने के लिए मुझे इन पेन्स को ख़रीदना पड़ा जो कि है बिग पेन। ये हैदराबाद शेप पेन है और इसको पकड़ने में बिल्कुल ये पेंसिल जैसा फील देता है। सो ये अलग अलग कलर में आते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, और इसकी जो निप है वो राउंड है और 0.4 mm की है। इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि हमें सिर्फ प्रेशर कंट्रोल करना है, बिल्कुल लाइटली लाइंस लगाने हैं, बिल्कुल भी ओवरफ्लो या इंक ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगी। टोन वर्क के अंदर आप अगर स्मूथली लाइन बाय लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो स्मूथली एकदम आराम से बिग पेन से ड्रॉ हो जाएगा, बस आपको स्मूथली स्ट्रोक्स लगाने, यूनिफॉर्मली स्ट्रोक्स लगाने, और बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना। अगर आपको डार्क पार्ट ड्रॉ करना है तो आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हो और यूनिफॉर्मली डार्क पार्ट भी इससे ड्रॉ हो जाता है, लेकिन अगर मैं वही प्रेशर, सेम प्रेशर लाइटली अगर मैं नॉर्मल पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ तो बिल्कुल थिक लाइन और ओवरफ्लो की दिक्कत आ ही जाती है उस अंदर, बिल्कुल भी यूनिफॉर्मली हिचिंग तो हो रही है, लेकिन जो टोन मुझे चाहिए मेरे ड्राइंग के अंदर या फिर मुझे स्ट्रोक्स के अंदर जो यूनिफॉर्मली शेड चाहिए वो नहीं मिलेगा।
बस इतना ही फ़र्क रहता है दोनों पेनों के अंदर। तो ये बिग पेन है और ये नॉर्मल पेन है। ये ऑनलाइन मैंने बाय किया है 600 रुपीज़ का। ये 50 पेन्स का बॉक्स है। आपको अगर ज़रूरत हो तो ही आप बिग पेन खरीदना, अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए नॉर्मल पेन्स का यूज़ करो। बहुत लोग होते हैं जो नॉर्मल पेन्स का यूज़ करके अच्छे से अच्छी ड्राइंग बना लेते हैं। तो मैंने ये वाली जो पेन खरीदे वो इसलिए खरीदे क्योंकि मैं जब भी प्रैक्टिस वाले पेन से ड्रॉ करता हूँ तो जो क्वालिटी होती है लाइंस की और उसके बाद में जो ओवरफ्लो होती है इंक की, वो जो चीज़ है ना, वो अगर मैं थोड़े बड़े आर्टवर्क्स या फिर इंपॉर्टेंट आर्टवर्क्स में होगा तो वो थोड़ा रिस्की चीज़ है। और उसमें क्या है कि आर्टवर्क ख़राब होने के बहुत सारे चांसेस हैं। जैसे ये वाली जो ड्राइंग है जो मैंने 2 रुपीज़ वाले पेन से ड्रॉ किया है, इसमें अगर ध्यान से देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे ना ओवरफ्लो होने की वजह से जो ड्राइंग है थोड़ी ख़राब से लग रही है। जैसे कि एक यहाँ पे हो गया और बहुत जगह पे मैंने ना वाइट जेलपेन का इस्तेमाल किया। जैसे ये नाक का ये वाला हिस्सा यहाँ पे मैंने वाइट जेलपेन का यूज़ किया है। पहले मुझे लगा कि वाइट जेलपेन का यूज़ करने से जो गलतियाँ है वो जो मिस्टेक्स है वो हट जाएगी, लेकिन नहीं, वो और ज़्यादा उभर के गंदी दिखने लगी। बट ये वाला जो पेन है इसके अंदर जहाँ देखोगे जो ये इसका एक खासियत ये है कि जो इसकी इंक है थोड़ी वाइब्रेंट है दूसरे पेन्स करते हैं और बहुत स्मूथ रिजल्ट्स मिले स्किन टोन के अंदर ज़्यादातर देखे तो। और जो इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला जो सूट है, जो कपड़े हैं, मैंने इसको ना स्क्रिबलिंग की वजह से ड्रॉ किया है। स्क्रिबलिंग करते करते तो ये जो शेड है ना लाइट टू डार्क की तरफ जो ऑप्ट हुआ है वो एक लगता है कि हाँ, एक जो प्रेशर कंट्रोल होता है, जो लाइन कंट्रोल्स होती है, जो आप चाहते हो कि आपको लाइट ड्रॉ करना है, जो टेक्सचर देना है आपको, एक हैचिंग करनी है, वो बिग पेन के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप नॉर्मल पेन से ड्रॉ करोगे तो हो सकता है, अगर आपकी पेशेंस है आपके अंदर और आपकी स्किल्स अच्छी है तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि जो लाइन्स आप ड्रॉ करना चाहते हो वो ना हो, कबाड़ हो जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिला या फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इन फ्यूचर ऐसे ही ट्यूटोरियल्स या फिर ऐसे ही ड्राइंग प्रोडक्ट्स या फिर आपको ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा मैं। सो सपोर्ट करना, और अगर कुछ भी चीज़ बतानी है आपको या फिर मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे।